हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा पंजाब के पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर का तीसरा वीडियो रहेगा। देखिए, इसके पार्ट वन के अंदर, करंट अफेयर की वीडियो पार्ट वन के अंदर मैंने पंजाब गवर्नमेंट के जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर कवर किए थे। करंट अफेयर की सेकेंड वीडियो के अंदर मैंने मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर कवर करे थे जो स्ट्रिक्टली पंजाब से जुड़े हुए हैं। ये करंट अफेयर की तीसरी वीडियो है, इसके अंदर मैं कवर करूंगा 1 मई से लेकर 7 जून 2020 तक के पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, जैसे पंजाब सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, उसका प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ, या हमारा अभी पीसीएस का सिविल सर्विस का एग्जाम निकला है उसके लिए, या आने वाला पटवारी का एग्जाम है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं कि आप पूरे YouTube के ऊपर सर्च मारो कि आपको मई मंथ का करंट अफेयर मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का हो, ना कि आपको किसी वेबसाइट पे मिलेगा, ना ही आपको किसी YouTube चैनल पे मिलेगा जिसमें सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के मई के करंट अफेयर कवर किए गए हों। ठीक है, लगभग इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 6 दिन का समय लगा। ठीक है, 7 से ज्यादा वेबसाइट्स के अंदर से मैंने पंजाब गवर्नमेंट से जुड़े हुए करंट अफेयर को कवर किया है। ओके, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। नेक्स्ट, ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मेरा पेज लाइक करना होगा, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, jatinsingla1013। यहां पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं अपने करंट अफेयर के सभी पीडीएफ अपलोड करता हूं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो से कहा था कि करंट अफेयर की सारी वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का करंट अफेयर बनाया जाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर बनाया जाए। एक और बात आपको याद रखनी है कि इस वीडियो में मैं 1 मई से लेकर 7 जून 2020 तक का करंट अफेयर कवर कर रहा हूं। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 8 जून है, तो आप मान के चलिएगा कि लगभग मैंने पिछले 5 सवा 5 महीनों का करंट अफेयर कवर कर दिया है। इसके बाद मैं 4 वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए करंट अफेयर कवर करूंगा, सेम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई के महीने के। अब देखो, आपको करंट अफेयर की वीडियोस तो शायद कहीं से भी मिल जाएंगी, यूट्यूब से, किसी वेबसाइट से, लेकिन कहीं भी आपको करंट अफेयर की वीडियो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को मद्देनजर रखकर बनाई हुई नहीं मिलेंगी। क्लियर होगी बात। उसमें आपको बैंक के अकॉर्डिंग भी करंट अफेयर मिल जाता है, उसमें आपको एसएससी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर मिल जाता है, किसी दूसरी स्टेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग मिल जाता है। जब हमने ये एग्जाम देने ही नहीं है भाई, तो हम लोग इनका करंट अफेयर क्यों करें? तो मैं आपको जो वीडियो दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी पंजाब के एग्जाम को मद्देनजर रखकर बनाई गई होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो हमने आज लेनी है, देयर इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSIR, That is Council of Scientific and Industrial Research. इसकी लोकेशन है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, There is a government research institute called CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. CSIR के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शनल टेक्नोलॉजी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, CSIR जिसका हेड ऑफिस लोकेशन चंडीगढ़ है पंजाब में, उसके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक तरीके की मशीन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। ये CSIR के द्वारा बनाई गई है COVID-19 से लड़ने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, चीजों को ऑटोमेटिकली सैनिटाइज करने के लिए। अब ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले CSIR के पास थी, अब इस टेक्नोलॉजी को CSIR कमर्शलाइजेशन करने जा रहा है। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है कि पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए इसको बाजार में उतारने जा रहा है, और इसको बाजार में उतारने के लिए उसने एग्रीमेंट किया है नागपुर की एक कंपनी जिसका नाम है राइट वाटर सॉल्यूशंस। यानी कि CSIR राइट वाटर सॉल्यूशंस के साथ मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी के बेस पर ऐसी टेक्नोलॉजी और मशीनरी का निर्माण करेगी जो मार्केट के अंदर COVID-19 से जुड़े हुए डिसइंफेक्शन या सैनिटाइजेशन के काम आएगी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा कि रिसेंटली CSIR
कमर्शलाइजेशन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी, वेर इज द लोकेशन ऑफ CSIR, सो लोकेशन ऑफ द CSIR इज इन चंडीगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से सुनो, एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, इसकी लोकेशन चंडीगढ़ के अंदर है। इसके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा इनोवेटिव है, एक ऐसा इफेक्टिव वे है जो चीजों को डिसइंफेक्ट करता है, या ये कह लीजिए सैनिटाइज करने के काम आता है। अब CSIR अपनी इस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइजेशन करने जा रही है नागपुर की कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके, राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट, ठीक है, इसके साथ मिलकर ये अपनी टेक्नोलॉजी को मार्केट में उतारेगी और कुछ पैसे भी कमाएगी और कुछ जो है लोगों की भलाई भी करेगी। क्लियर होगी बात। अब CSIR के बारे में याद रखिए, CSIR का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, देश का हेल्थ मिनिस्टर होता है, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर शेखर। लोकेशन में आपको बता ही चुका हूं, चंडीगढ़। क्वेश्चन क्या बनेगा, रिसेंटली CSIR ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी टू विच प्राइवेट कंपनी, दैट इज राइट वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, डबल स्टार लगाइएगा इसके ऊपर, 130% ये इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म। अब मेरी बात ध्यान से समझनी है, जून 2019 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड। जून 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड। ये स्कीम क्या थी, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स कैसे होते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं लेबर वाले, ठीक है, कि बिहार का एक बंदा है जो है काम की तलाश में पंजाब में आ गया, काम की तलाश में महाराष्ट्र में चला गया, हरियाणा चला गया, उनको बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स। अब माइग्रेंट वर्कर जो हैं ज्यादातर बिहार से आते हैं या फिर यूपी से आते हैं ज्यादातर, तो उनका वहां पर एक राशन कार्ड बना होता है जिसकी सहायता से वो सस्ते में राशन ले सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन पहले क्या था कि वो राशन कार्ड पंजाब में नहीं चलेगा क्योंकि बिहार का बना हुआ है, वो राशन कार्ड जो है हरियाणा में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अब सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, जिस स्कीम के तहत जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनका जो राशन कार्ड है वो ऑल ओवर इंडिया चलेगा, ठीक है, यानी कि पूरे देश में चलने वाला एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब आगे पढ़ते हैं, दिस स्कीम अनाउंस्ड इन जून 2019 अलाउज पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द 1st June 2020। दिस मीन्स पुअर माइग्रेंट वर्कर्स और द बेनिफिशरीज हु आर टेकिंग फूड ग्रेन्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज द राइस एंड वीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री। इसमें क्या कह रहा है कि जो पुअर माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर जो लोग राशन कार्ड स्कीम के तहत आते हैं, सभी को तो राशन कार्ड मिलता नहीं, राशन कार्ड दिखाकर आपको जिसको हम बोलते हैं डिप्पू से सस्ता राशन मिलता है, वीट गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। अब उन पूर माइग्रेंट वर्कर्स को इंडिया में कहीं भी राशन मिल सकता है और वो राशन कार्ड कहीं का भी बना हो, उसको बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। दूसरा, आप ये कह सकते हैं सिंपली इट इज ए इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड। इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड का मतलब क्या है, मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, यूपी का कोई माइग्रेंट उठकर पंजाब आ गया तो यूपी में बना हुआ राशन कार्ड पंजाब में भी चलेगा, पंजाब का बना हुआ राशन कार्ड किसी और स्टेट में भी चलेगा, उसे बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी, देखिए स्कीम की अनाउंसमेंट हुई थी जून 2019 में, 1 जनवरी 2020 को सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड 12 स्टेट्स के अंदर चलाई थी, 12 स्टेट्स में चलाई थी, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। क्लियर होगी। अब एकदम से तो पूरी इंडिया में चलाई नहीं जा सकती। उसके बाद 1 मई 2020 को इसमें 5 स्टेट प्लस UTs और ऐड कर दी गई, मतलब टोटल 5 जगहें और ऐड कर दी गई 1 मई 2020 को। उसके बाद 1 जून 2020 को 3 स्टेट्स और ऐड कर दी गई, तो टोटल 12 स्टार्टिंग में थी, 5 फिर आई, 3 टोटल फिर आई, तो एट प्रेजेंट
इंडिया में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत टोटल 20 स्टेट्स प्लस यूटीज आती हैं, यानी कि स्टेट और अगर यूटीज को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितनी जगह वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आती हैं, तो वो आती हैं टोटल 20। क्लियर होगी बात। इनमें से पंजाब भी एक है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इससे लगभग 600 मिलियन, ठीक है, लगभग 600 मिलियन जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बेनिफिशरीज को फायदा होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 जनवरी 2020 को टोटल कितनी स्टेट्स में वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च किया गया, 12। फिर 1 मई 2020 को इसमें 5 और ऐड कर दी गई, जिनमें से एक कौन सा था, जिनमें से एक था हमारा पंजाब। क्लियर होगी। तो 1 मई 2020 को जब 5 और ऐड करी गई, उनमें से एक कौन सा था, उनमें से एक था भाई आपका पंजाब। और अभी रिसेंटली 1 जून 2020 को 3 और स्टेट ऐड कर दी गई है, दैट इज ओडिशा, सिक्किम एंड मिजोरम। ठीक है जी, अनाउंसमेंट 2 जून को हुई थी पर 1 जून को ऐड किया गया था। 1 जून 2020 को ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को ऐड कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, एट प्रेजेंट वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म के तहत टोटल कितनी स्टेट्स और यूटीज आती हैं, तो टोटल 20 ऐसी जगहें आती हैं जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड जो है एप्लीकेबल है। और वन नेशन वन राशन कार्ड सबसे पहले कब लॉन्च किया गया, अनाउंसमेंट की गई थी जून 2019 में, 1 जनवरी 2020 में 12 राज्य, 1 मई 2020 में 5 और 1 जून 2020 में 3 और। तो एट प्रेजेंट टोटल कितने हो गए वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, 20। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिए कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड है वो हमारे सरकार के किस एक्ट के तहत काम करता है, तो ये काम करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत सरकार ने ये लॉन्च किया था वन नेशन वन राशन कार्ड। एम आई क्लियर। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देखिए इसमें क्या है, पंजाब नेशनल बैंक का एक विंग है, विंग मतलब एक हिस्सा, ठीक है, जो बेसिकली फाइनेंस का काम देखता है, जिसका नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर से सुन लो, एमओयू का नाम मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत पीएनबी आईआईटी को फाइनेंस करेगा और आईआईटी दिल्ली एक ऐसा मटेरियल बनाएगा, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल बनाएगा किसका, पीपीई किट का। आजकल न्यूज में आप सुनते होंगे पीपीई किट, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको एक सूट दिया जाता है कि भाई कोविड-19 जो है उनकी बॉडी को टच ना करे, उनको बोलते हैं पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पीएनबी आईआईटी दिल्ली को फाइनेंस करेगा और आईआईटी दिल्ली ऐसे पीपीई सूट्स बनाने का काम करेगा जो रीयूजेबल होंगे। अब रीयूजेबल का मतलब बेसिकली जब आप एक बार पीपीई किट का इस्तेमाल करते हो तो उसको बार आपको उसको थ्रो करना पड़ता है डस्टबिन में, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। अब आईआईटी दिल्ली रिसर्च करेगा कि हम लोग एक ऐसा मटेरियल बनाएं, एक ऐसा कपड़ा बनाएं जो ऐसे पीपी किट का निर्माण कराया जा सके जो रीयूजेबल हो, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा भी यूज किया जा सके। ये पूरी न्यूज के अंदर है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली टू सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ए यूनिक प्रोटोटाइप मटेरियल। एक खास तरीके का मटेरियल बनाएगा टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वॉशेबल एंड रीयूजेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सर्जिकल गाउन्स एंड द मास्क। ऐसे पीपीई किट का निर्माण किया जा सके जो वॉशेबल भी हो और रीयूजेबल भी हो। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, नया मटेरियल बनाना पड़ेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेगी आईआईटी दिल्ली के साथ। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, याद रखिए, ठीक है, इसने किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया है रीयूजेबल पीपीई किट का निर्माण करने के लिए, तो इसने किया है आईआईटी दिल्ली के साथ, ठीक है। पीएनबी एचएफएल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर और इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो है नीरज व्यास।
और आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम गोपाल राव। ओनली आपको क्वेश्चन यहां पर क्या आएगा, रिसेंटली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड साइंस एमओयू विद विच इंडियन इंस्टीट्यूट टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट्स, दैट इज आईआईटी दिल्ली। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ओके ठीक है। और ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पीएनबी बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम बताया था। आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पीएनबी बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। एक बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा पास्ट लेके चलूंगा, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। ठीक है भाई, ओके। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की पहले एब्रीवेशन याद रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्र का एक ऐसा बैंक जो हमारी खेती बाड़ी और पेंडू खेते के विकास लिए काम करता है। नाबार्ड कभी भी डायरेक्ट डील नहीं करता पब्लिक के साथ। सबसे टॉप पे बैंकिंग सेक्टर में आता है आरबीआई। आरबीआई के अंडर काम करता है नाबार्ड। ठीक है, ना आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करता है, ना नाबार्ड डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करता है। आपको कभी भी आरबीआई का ऑफिस खुला नहीं मिलेगा, जैसे एसबीआई के बैंक की ब्रांचेस मिलती हैं, पीएनबी की, आरबीआई और नाबार्ड की नहीं मिलेंगी। नाबार्ड के अंदर तीन तरीके के बैंक काम करते हैं। देखिए, आरबीआई के अंदर काम करता है कौन? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के अंदर तीन तरीके के बैंक काम करते हैं। सबसे पहले आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, जिन्हों से पेंडू खेते दे बैंक कहने हैं। ठीक है, जिमें मालवा ग्रामीण बैंक हो गया। एक है कोऑपरेटिव बैंक, जैसे पंजाब कोऑपरेटिव बैंक्स। दूसरे कौन से बैंक हैं जो आर नाबार्ड के अंदर काम करते हैं? कोऑपरेटिव। और तीसरा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। मतलब तीन तरीके के बैंक हैं जो नाबार्ड के अंदर काम करते हैं, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। क्लियर होगी? अब भाई नाबार्ड जो है, नाबार्ड ने पंजाब गवर्नमेंट को 1500 करोड़ रुपए सेंशन किए हैं। ठीक है, 1500 करोड़ रुपए सेंशन किए हैं। ये सेंशन क्यों करे हैं? कोविड 19 की वजह से, जब कोविड 19 अपने पीक में था, ठीक है, अप्रैल मई के समय पर, अभी भी पीक पे है, अप्रैल मई के समय पर जब लॉकडाउन बहुत ज्यादा सख्ती से था, उस समय फसल का जो था जोर था पूरे इंडिया के अंदर, खेती का पूरा जोर था। ठीक है, तो नाबार्ड ने कहा है कि वो चाहती है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कि भाई उनकी जरूरत की सारी चीजें उनको मिलती रहे। उनको बीज चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो उनकी लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए। इसलिए नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट को सेंक्शन करे हैं। एम आई क्लियर? नाबार्ड एक बैंक है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अंडर द वर्क्स अंडर द आरबीआई। और नाबार्ड के अंदर तीन बैंक काम करते हैं, एक का नाम क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। क्लियर होगी? और नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हैं टू द पंजाब टू इंश्योर द कंटिन्यू क्रेडिट फ्लो टू द फार्मर्स, ताकि किसानों को लगातार पैसा मिलता रहे। कोरोना वायरस की वजह से हमारी कृषि बाड़ी जो है, खेती बाड़ी जो है, वो फेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नाबार्ड ने 25,000 करोड़ रुपए देने हैं पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, फार्मर्स के कैश के फ्लो को बनाए रखने के लिए। नाबार्ड ने एम लिया है कि वो 25,000 करोड़ रुपए अलग अलग स्टेट्स के अंदर देगी खेती बाड़ी को बने रखने के लिए, कृषि को बनाए रखने के लिए। ठीक है, उस 2500 करोड़ में से 1500 करोड़ वो किसको दे रही है? पंजाब गवर्नमेंट को दे रही है। क्लियर? द अमाउंट गिवन इज द पार्ट ऑफ नाबार्ड्स 25,000 करोड़ नेशन वाइड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। नाबार्ड ने जो 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देना है पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट और यूटी में से, उस 25,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ रुपए वो पंजाब को देगी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? रिसेंटली नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए फार्मर्स क्रेडिट फ्लो के लिए किस स्टेट को सेंक्शन किए हैं? तो वो किए हैं पंजाब को। नाबार्ड किसके तहत काम करता है? आरबीआई। और नाबार्ड के तहत कौन कौन काम करता है? रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा नाबार्ड के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूं। नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को बना था, 12 जुलाई 1982 को बना था। अगर आप मेरी करंट अफेयर की वीडियोस देख लेते हो, 70% इकोनॉमी इसी में ही कवर हो जाएंगे। को
कोई बुक उठा के देखो उसमें नाबार्ड की डिटेल बताई होगी इकॉनमी के अंदर। तो खैर नाबार्ड जो है 12 जुलाई 1982 को बना होगा, बना था 12 जुलाई 1982 को बना था, ठीक है। नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है याद रखिए वो है मुंबई के अंदर, नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर है। नाबार्ड के जो चेयरमैन है यानी कि इस समय जो मुखिया है उनका नाम है हर्ष कुमार बेनीवाल, हर्ष कुमार बेनीवाल इस समय नाबार्ड के मुखिया है। और क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड को बनाने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी, तो याद रहे नाबार्ड को बनाने के लिए बी सीवारमन, एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, बी सीवारमन कमेटी। इस कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि हमारे पास नाबार्ड जैसा एक बैंक होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बने, नाबार्ड ने किस स्टेट को 1500 करोड़ का सेंक्शन किया है लोन, ठीक है पंजाब को। टोटल पूरे इंडिया में कितना देना है 25,000 करोड़। नाबार्ड के अंदर कौन कौन से काम करते हैं, आरआरबी कोऑपरेटिव एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नाबार्ड किसके अंदर काम करते हैं, आरबीआई। नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई के अंदर, नाबार्ड के चेयरमैन हर्ष कुमार बेनीवाल, क्लियर होगी। और नाबार्ड बैंक को बनाने के लिए किस कमेटी को सुझाव के तहत नाबार्ड बनाया गया था, नाबार्ड वॉज फॉर्म्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ बी सीवारमन कमेटी। नेक्स्ट, इसमें डिटेल में सारा कुछ वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि जो नबर्ड है 12 जुलाई 1982 को बना था अंडर द एक्ट ऑफ 61 ऑफ 1981 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और नबर्ड का जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, चेयरमैन जो है हर्ष कुमार बेनीवाल है, ठीक है। और इसको बनाने की जो रिकमेंडेशन थी बी सीवारमन कमेटी ने करी थी। नेक्स्ट, ओके अगला ध्यान से समझना है भाई। अगला हमारे पास है पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया है। वो ऑर्डिनेंस क्या करता है, पंजाब का एक कानून है उसमें कुछ समय के लिए बदलाव करता है। पहले तो कानून का नाम देख लेते हैं, ठीक है। एक एक्ट है पंजाब के अंदर जिसका नाम है पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। ऑर्डिनेंस के बारे में भी बताऊंगा। अब देखो कोविड 19 की वजह से सरकार चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, शारीरिक दूरी बनाई जाए, लेकिन अगर जेलों में लगातार कैदी आते रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो होगी भाई, धज्जियां उड़ गई। तो पंजाब गवर्नमेंट ने टेम्परेरी तौर पर एक ऑर्डिनेंस पास किया, एक अध्यादेश पास किया जिसके तहत एक प्रिजनर को 16 वीक्स 16 हफ्ते से ज्यादा एक साल के अंदर जो है वो बेल दी जा सकती है या उसको रिलीज किया जा सकता है। पहले लॉ के अकॉर्डिंग एक क्रिमिनल को 16 वीक से ज्यादा आप जो है रिलीज नहीं कर सकते, छुट्टियां नहीं दे सकते, चाहे वो पेरोल हो चाहे वो बेल हो। लेकिन अब कोविड 19 की वजह से गवर्नमेंट ने अपने कानून में बदलाव किया है कि एक क्रिमिनल को 16 हफ्तों से ज्यादा जो है वो बेरोल दे सकती है, रिलीज कर सकती है। एडिशनल 6 वीक, ठीक है, मतलब 16 वीक तो पहले ही वो दे सकती थी प्लस 6 वीक और देगी एक्स्ट्रा अगर वो चाहे तो, कोविड 19 में सोशल डिस्टेंसिंग को रोकने के लिए। और इसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया। क्वेश्चन क्या बन गया, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने किस अपने ऑर्डिनेंस के तहत किस क्रिमिनल एक्ट में अमेंडमेंट की है, बदलाव किया है, तो वो आएगा पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। क्लियर होगी बात के नहीं होगी। पंजाब के जो जेल मंत्री है उनका नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा। एक बात याद रखिए, जो ऑर्डिनेंस है वो दो ही लोग पास कर सकते हैं, अगर वो इंडिया में है तो वो प्रेसिडेंट पास करेगा, अगर वो किसी स्टेट में है तो वो कौन पास करेगा ऑर्डिनेंस, गवर्नर पास करेगा। क्लियर होगी। अब एक चीज याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होता है, पूरे देश का जो प्रेसिडेंट है उसका ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत आता है। देश के राष्ट्रपति के अध्यादेश का आर्टिकल क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 123 देश के राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के बारे में बताता है। और अगर स्टेट में है तो कौन लेगा भाई ऑर्डिनेंस, कौन बताएगा, गवर्नर। तो गवर्नर आता है आर्टिकल 213 के तहत। क्वेश्चन क्या आ गया, स्टेट के गवर्नर का ऑर्डिनेंस कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत किसी स्टेट के गवर्नर का ऑर्डिनेंस आता है, तो वो है आर्टिकल 213। और प्रेसिडेंट का किसके तहत आता है, 123 के तहत। ऑर्डिनेंस जो होता है अध्यादेश, ये टेम्परेरी होता है कुछ समय के लिए, मिनिमम 6 वीक के लिए और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, मिनिमम 6 वीक के लिए और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए
एक ऑर्डिनेंस को लागू किया जा सकता है विदाउट पासिंग इन द पार्लियामेंट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने पिछली वीडियो सुनी है। देखिए, हमारे एक हॉकी आइकॉन है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, जिनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर, पूरा नाम था बलबीर सिंह दोसांझ। इनकी 95 इयर्स एज में डेथ हो गई है और ये जालंधर के हरिपुर के रहने वाले थे, जालंधर के हरिपुर गांव के रहने वाले थे। क्लियर होगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी ओबिचरी पे डेथ पे क्वेश्चन आता है तो आपको बंदे का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, बलबीर सिंह दोसांझ और सीनियर पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच फील्ड, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पॉलिटिशियन या सिविल सर्विसेज। तो इट बिलोंग्स टू द स्पोर्ट्स, दैट इज हॉकी। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दो बंदे हैं, एक का नाम है बलबीर सिंह कुल्लर, बलबीर सिंह कुल्लर, और एक है बलबीर सिंह सीनियर या बलबीर सिंह दोसांझ, बलबीर सिंह सीनियर यानी कि बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह कुल्लर की भी रिसेंटली डेथ हुई है, ये भी हॉकी से जुड़े हुए हैं। बलबीर सिंह दोसांझ की भी रिसेंटली डेथ हुई है, ये भी हॉकी से जुड़े हैं और दोनों ही पंजाब से हैं। ठीक है, क्लियर होगी। बलबीर सिंह कुल्लर जो है इनकी मौत 77 साल की उम्र में हुई थी, लगभग फरवरी मई के अंदर, और बलबीर सिंह दोसांझ जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं इनकी डेथ हुई है 95 ईयर के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बलबीर सिंह कुल्लर है, एक बलबीर सिंह दोसांझ है, दोनों ही हॉकी से जुड़े हुए हैं। बलबीर सिंह कुल्लर की मौत 1 मार्च 2020 को हुई थी, बलबीर सिंह दोसांझ की मौत जो है ये 25 मई को हुई है। ठीक है जी, क्लियर है, ओके है। दोनों ही हॉकी से जुड़े हुए हैं, दोनों को ही पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है और दोनों ही जालंधर के रहने वाले थे, ये याद रखिए। ठीक है, बलबीर सिंह दोसांझ इनके एक बायोग्राफी याद रखिए, ऑटोबायोग्राफी याद रखिए जो इनके द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज इन 1977, गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज 1977। तो क्वेश्चन आ सकता है द गोल्डन हैट्रिक एंड माई हॉकी डेज 1977 किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है बलबीर सिंह सीनियर के द्वारा। बलबीर सिंह सीनियर जो थे अपने टाइम के हॉकी के बेस्ट जो थे, सेंटर फॉरवर्ड थे, क्लियर है। ठीक है, ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी दिया गया है इनको, ये कुछ बातें हैं इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हमारी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, हमारा एक शूटर है जो चंडीगढ़ का रहने वाला है जिसका नाम है अंजुम मुदगिल, अंजुम मुदगिल। ठीक है, अब ये एक शूटर है यानी कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। भारत के अंदर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको सिर्फ खेल रत्न अवार्ड भी कह देते हैं। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है खेल रत्न अवार्ड, क्लियर होगी। पहले राजीव गांधी अलग था, खेल रत्न अलग था, बाद में इसको इकट्ठा करके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बना दिया गया। तो भाई, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ के अंजुम मुदगिल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है कि हमारी तरफ से इस बंदे को ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या आ गया, रिसेंटली NRAI नॉमिनेट्स अ शूटर फ्रॉम चंडीगढ़ फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, द नेम ऑफ द स्पोर्ट्समैन या शूटर अंजुम मुदगिल। इसके साथ साथ ही एक पर्सन है जिनका नाम है जसपाल राणा, ये भी पंजाब के रहने वाले हैं। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड जो है बेस्ट कोच को दिया जाता है, स्पोर्ट्स के अंदर जो सबसे बढ़िया कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो बेसिकली पंजाब के दो बंदों को NRAI की तरफ से, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। पहले है अंजुम मुदगिल और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जसपाल राणा को। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए आपको लगभग 1.75 लाख रुपए मिलते हैं अगर आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीतते हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, चंडीगढ़ ने एक ऐप लॉन्च करी है, चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिए चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो पंजाब के गवर्नर होते हैं। अगर आपने पंजाब की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने चंडीगढ़ एक्ट 1984 एक्सप्लेन किया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो भी बंदा चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधकीय मुखिया होगा वही बंदा पंजाब का गवर्नर होगा, या ये कह लीजिए कि जो भी बंदा पंजाब का गवर्नर बनेगा
वही चंडीगढ़ का प्रबंधकीय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। ठीक है, ये चंडीगढ़ एक्ट 1984 में मैंने बताया है पंजाब की वीडियो में, क्लियर। तो अब चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है सी एच डी कोविड। अब ये नाम से ये पता चलता है कि ये कोरोना वायरस के लिए लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या क्या उनको सुझाव देने चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का मतलब एक ही जगह चंडीगढ़ में जितने भी कोविड 19 के केस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो अवेयरनेस के लिए काम किए गए हैं, सब एक ही ऐप पे आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक ऐप लॉन्च करी है, ठीक है, किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, उसका नाम है कोवा पंजाब। चंडीगढ़ की तरफ से सीएचडी कोविड और पंजाब की तरफ से कोवा पंजाब, ये दोनों ऐप का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, यूनिक, सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत रूट लेवल से उठाया मैंने ये क्वेश्चन। यूनिक एक वेब पोर्टल है, एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका मेन मकसद है कि ये इंफॉर्मेशन देगी कोविड 19 के लिए। ठीक है, यूनिक एक कोविड 19 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया एक वेब पोर्टल है। और गेस व्हाट, इसको किसने लॉन्च किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूनिक कोविड 19 इंफॉर्मेशन वेब पोर्टल। तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि कोविड 19 से जुड़ी हुई जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी न्यूज है वो आप तक पहुंचाई जा सके, फेक न्यूज ना पहुंचे। और ये लॉन्च करी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के द्वारा, और वेब पोर्टल का नाम क्या है, यूनिक। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, हमारे एक पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी रिसेंटली 56 सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, स्टेशंस का उद्घाटन किया है। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने 56 सीएनजी स्टेशंस का उद्घाटन किया है, और ये 56 सीएनजी स्टेशन भारत के 11 स्टेट में ओपन किए जाएंगे, और उन 11 स्टेट में से एक स्टेट हमारा पंजाब है। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन क्या बन गया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने रिसेंटली 56 सीएनजी स्टेशंस का उद्घाटन किया है, और ये कितनी स्टेट में से किया है, 11 स्टेट्स, यानी कि ये 56 सीएनजी स्टेशन जो है 11 स्टेट्स और यूटीज में ओपन किए जाएंगे, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक हेल्पलाइन लॉन्च करी है, डबल स्टार लगा लो, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ए हेल्पलाइन फॉर द आरटीआई। ठीक है, केडी गवर्नमेंट ने रिसेंटली आरटीआई राइट टू नो इन्फॉर्मेशन, जानने दे अधिकार, सूचना दे अधिकार दे तहत एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो वो लॉन्च की है पंजाब ने, हेल्पलाइन नंबर की है, वो तुहाडा काम नहीं हैगा, तुसी सिर्फ याद रखना है कि केडी स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज की है आरटीआई दे नाल जुड़ी हुई एक हेल्पलाइन। ठीक है, वो लॉन्च की है पंजाब ने। हुण आरटीआई बारे थोड़ी जी गल्लां याद रख लो, ये तुहाडे लिए इंपोर्टेंट ने। आरटीआई राइट टू नो इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में बना था, आरटीआई एक्ट 2005। इससे पहले एक एक्ट था जिसको बोलते थे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो आरटीआई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करता है। क्वेश्चन क्या बन गया, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड आरटीआई हेल्पलाइन नंबर, दैट इज पंजाब। और आरटीआई एक्ट कब पास हुआ था, 2005 में, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार केड़े एक्ट को रिप्लेस करके बने हैं, फॉर्मर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली अपने 10th क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है विदाउट एग्जामिनेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू द प्रमोशन ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट विदाउट एग्जामिनेशन, तो वो है पंजाब। ठीक है, भारत देश के किस राज्य की सरकार ने अपने 10वीं क्लास के बच्चों को बिना पेपर लिए, इतिहास में पहली बार हुआ है
कि उनको प्रमोट किया है, तो वो है पंजाब, COVID-19 की वजह से, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड CHD कोविड ऐप, और ये किसने लॉन्च करी, अभी हमने पढ़ा था, चंडीगढ़ ने, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इम्पोज ऑफ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड, सुपर इंपॉर्टेंट, केरी गवर्नमेंट ने, ठीक है, देखिए पंजाब को एक्साइज ड्यूटी में बहुत भयंकर घाटा पड़ा है, एक्साइज ड्यूटी में बहुत ज्यादा जो है घाटा पड़ा है, ठीक है, लॉस हुआ है, और एक्साइज ड्यूटी ज्यादातर आती है अल्कोहल से, शराब से, लिक्विड से, तो किस गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी के घाटे को पूरा करने के लिए एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई है, तो वो है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, लगभग ये मान लीजिए भारत में सबसे ज्यादा जिस स्टेट में एक्साइज ड्यूटी से इनकम होती है वो भी अल्कोहल से, वो यूपी है। यूपी में लगभग 23% जो इनकम होती है एक्साइज ड्यूटी से वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से होती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पीपीएससी में होता तो मैं ये पक्का डालता। आजकल आप देख रहे हो कि पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो एक गाना लॉन्च कर रहे हैं कि हम जल्दी ही कामयाब होंगे, हम जल्दी ही फिर से नॉर्मल होंगे, कोरोना वायरस से मिलकर लड़ेंगे। ये क्या है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों का मनोबल बनाने के लिए और अवेयरनेस बनाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन का नाम है मिशन फतेह। ये याद रखिए कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ जिसका नाम है मिशन फतेह। जितनी भी आप COVID-19 से जुड़ी हुई न्यूज़ देखते हैं, जैसे कोई सॉन्ग लॉन्च किया गया, ठीक है, कोई एड आई जिसमें लोगों को बताया गया, तो वो सब किस मिशन का हिस्सा है, मिशन फतेह। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक महीना लंबा, एक मंथ लॉन्ग जो है एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है कोरोना वायरस के खिलाफ, वो है पंजाब गवर्नमेंट, और इस अवेयरनेस कैंपेन का नाम क्या है, मिशन फतेह, इसको याद रखना। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ हमारे पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के करंट अफेयर कंप्लीट है, 7 जून तक इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया, अभी जून चल रहा है। अगर पेपर जुलाई में होता है कोई भी पेपर, तो मैं जून के बचे हुए महीनों का जो है 1 जुलाई को अपलोड कर दूंगा करंट अफेयर। इसके बाद 3 से 4 वीडियो आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के करंट अफेयर के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, जून तक, क्लियर। और उसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उन करंट अफेयर्स को कवर करूंगा जिसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट पूछती है। टिल देन, थैंक यू सो मच।